दो वर्ष कोरोना काल के बाद पहली बार भागलपुर में करीबन 350 करोड़ रुपये का रेशमी खादी और रेशमी तसर साड़ी का ऑर्डर मिला, लेकिन रॉ मटेरियल के अभाव में तसर कोकून की कमी के वजह से ये ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया। 2 अक्टूबर तक सिर्फ 95 करोड़ रुपये का माल भागलपुर से भेजा जा रहा है। हम जानते हैं कि यहाँ पर हुनर है, लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास रॉ मटेरियल या पूंजी नहीं होने के वजह से ये ऑर्डर जो अभी ऑर्डर मिला है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। हम सरकार से आग्रह किया है, अभी 1-10 को माननीय उद्योग मंत्री के साथ एक बैठक हुई है, बुनकरों और खादी संस्थाओं के साथ बैठक हुई है, उसमें भी हमने कहा है, सरकार से आग्रह किया है कि 4% ब्याज दर पर बुनकरों को पूंजी मुहैया कराएं, रॉ मटेरियल का इंतजाम करें और संभवतः जितने संभव हो सके आप मार्केटिंग, सरकार जो मार्केटिंग करती है जैसे हॉस्पिटल में जो चादरें लगाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जितने तरह के कपड़े का इस्तेमाल होता है, सरकारी कार्यालय में जितने तरह का कपड़ा इस्तेमाल में लाया जाता है, या फिर पोशाक योजना में जितने तरह के कपड़े, जितने कपड़े लगते हैं और पुलिस की वर्दी में जितने कपड़े लगते हैं, अगर ये कपड़ा से बिहार के बने हुए बुनकरों से ले लिया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि राज्य के सभी घरों में खटखट की आवाज शुरू होगी। हम तो ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि हर हाथ को काम मिले तभी देश तरक्की कर सकती है, और यही एक जरिया है खादी और खादी संस्थाओं, खादी के बुनकरों के माध्यम से हम हर वो आखिरी आदमी तक पहुंच सकते हैं जिनको रोजगार की जरूरत है। ये घरेलू उद्योग है, गौ का उद्योग है, और हम आज अगर स्वदेशी अपनाते हैं तो सिर्फ हमारा काम ही नहीं चलता, हमारे बाद जो हम चावल खरीदते हैं, हम दूध खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो जहाँ काम होता है, जहाँ रोजगार मिलता है वहाँ खुशहाली आती है। और कपड़ा एक ऐसी चीज है जो जीवन जिस दिन से शुरू हुई और जीवन के आखिरी दिन तक कपड़े की जरूरत